पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष के पांचवे दिन विवाह पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। वैसे तो सनातन धर्म में विवाह पंचमी का बेहद विशेष महत्व है, लेकिन इस दिन विवाह नहीं किए जाते। विशेषकर मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह करने की परंपरा नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि माता सीता ने वैवाहिक जीवन में बहुत दुख देखे थे। मान्यता के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के बाद भी राम ने गर्भवती सीता को त्याग दिया था और उन्हें महारानी का सुख नहीं मिला था, इसलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते। लोगों का मानना है कि विवाह पंचमी के दिन विवाह करने से कहीं सीता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन भी दुखमय ना हो जाए। यही नहीं, विवाह पंचमी के दिन राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही हो जाता है। दरअसल दोनों के जीवन के आगे की कथा दुख और कष्ट से भरी हुई है और इसका शुभ अंत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। विवाह पंचमी के दिन ही भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए आज के दिन उन्हीं का विवाह करवाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन सबसे पहले उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान राम और माता सीता के विवाह का संकल्प लें। घर के मंदिर में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। भगवान राम को व माता सीता को सुंदर और नए वस्त्र पहनाएं। अब रामायण के बाल कांड का पाठ करते हुए विवाह प्रसंग का पाठ करें। इसके बाद ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। फिर भगवान राम और माता सीता का गठबंधन करें। अब भगवान श्री राम और माता सीता की जोड़ी की आरती उतारें। भगवान को भोग लगाएं और पूरे घर में प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करें। संत वाणी दुख दाहिनी सुख दाहिनी।